everyone, a very good evening to all of you. So how are you all? I hope that each and every one of you is very fine. Sabhi students bahut 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 ekdam bahut acche hain. Chale, so let us start our today's session. Aaj ka session hum start kar rahe hain aur aaj ke session mein hum bahut important phrasal verbs padhne wale hain. Humne around 150 phrasal verbs already cover kar liye hain. 200 phrasal verbs हमें cover करने हैं. ये 200 phrasal verbs वो phrasal verbs हैं जो सबसे ज़्यादा important हैं. They are very 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 important for all of you. और वही phrasal verbs की series को हम आज continue करने वाले हैं. So I hope each and everyone is ready for today's class. हर कोई आज हर student हर आज के class के लिए एकदम और एकदम ready है. Yes, चलिए. So let us start our today's session. आज का session हम start कर रहे हैं. And this is our Unacademy Studios Vault team. ये हमारी Unacademy Studios Vault team है जो आपको सारे के सारे subjects पढ़ाती है. हम top 200 phrasal verbs कर रहे हैं. कल के session में हमने कुछ phrasal verbs किए थे. आज के session में हम आगे के phrasal verbs कर रहे हैं. Phrasal verbs को लेके अपनी understanding को हम strong बना रहे हैं. और वो topic phrasal verbs जिससे students सबसे ज़्यादा डरते हैं. उस टॉपिक को हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं. 4 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है. एवरी डे होती है, रोज़ होती है. ये एक ऐसी क्लास है जो किसी भी बच्चे को किसी गलती से भी मिस नहीं करनी है. पूरा का पूरा फोकस इस क्लास पे होना चाहिए. 4 PM जो हमारी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है. आई थिंक अनअकैडमी ऐप के बारे में तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता ही है. बहुत सारे फ़ायदे हैं अनअकैडमी पे. अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ऑब्वियसली इतना कंपटीशन है आज के टाइम में, बिना मेंटोरशिप के, बिना ट्रेनिंग के, बिना कोचिंग के क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है, तो अनअकैडमी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो आपको पूरी की पूरी तैयारी उस एग्ज़ाम की करवाता है. आपको कहीं जाना नहीं पड़ता. आप फुल फोकस हो के आप फुल फोकस होके, फुल डिटरमाइंड होके अपने एग्ज़ाम की तैयारी अनअकैडमी पे कर सकते हैं. आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. बेस्ट फैकल्टीज़ आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. 30 से ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस एक ही दिन में मिलती हैं. आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ मिलती है, डाउट सेशंस मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं. आप क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं. मतलब अनअकैडमी आपको ओवरऑल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करवाता. आपको अपना बैंक एग्जामिनेशन गोल बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना होता है. अगर आपका गोल बैंकिंग एग्जाम्स है तो आपका गोल क्या हो जाएगा? बैंक एग्जामिनेशंस. आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होता है. बहुत सारे फ़ायदे हैं. आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर क्लासेस अटेंड करते ही करते हैं. मेरे द हिंदू एडिटोरियल की जो क्लास होती है जो सभी बच्चों के लिए होती है वो अनअकैडमी पे होती है. मेरे 2 बैचेस अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं. हमारा IBPS क्लर्क का बैच चल रहा है, IBPS PO मेंस का बैच चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का बैच चल रहा है. अगर कोई भी बैच ऐसा है जिसमें आपको अटेंड करना है, आप PO मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन बैचेस में डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए. अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन बैचेस में डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए. आपको कोड क्या यूज़ करना है? यू हैव टू यूज़ द कोड NBLIFE. आपको ये कोड यूज़ करना है NBLIFE और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड. एंड वॉट इज़ द कोड? कोड क्या है? NBLIFE. ये हमारा कोड है. कोड क्या यूज़ करेंगे आप? कोड जो आपको यूज़ करना है NBLIFE है. 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा. बहुत इकोनॉमिकल है अनअकैडमी का. अगर मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करूं, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, इफ़ यू टेक अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, इट ओनली एंड ओनली कॉस्ट यू 6,000 रुपीज़. दैट इज़ 500 रुपीज़ पर मंथ. आपको केवल और केवल 500 रुपीज़ पर मंथ ये कॉस्ट करता है. इसमें भी अगर आप कोड लगा देते हो NBLIFE तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है. यू गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो इफ़ यू अप्लाई दिस कोड NBLIFE. तो ये कोड सभी बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इस कोड को अप्लाई कर देंगे और जल्दी से डिस्काउंट लेके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएंगे. मेंस का बैच मेरा 11 बजे होता है रोज़, मंडे टू फ्राइडे. क्लर्क का बैच हमारा प्रीलिम्स का बैच हमारा 3 बजे होता है. 4 बजे हमारा रोज़ द हिंदू एडिटोरियल होता है. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं.
बट उससे पहले मेरा हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए. शेयर दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल. आई एम वेटिंग फॉर 10 to 15 seconds. थोड़ा सा टाइम मैं वेट कर रही हूँ जिससे कि हर बच्चा इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दे. सो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने एकदम वीडियो को शेयर कर दिया है. चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And ये phrasal verbs हमने कल की क्लास में पढ़ ही लिए थे. Bear हमने कल की क्लास में पढ़ा था. Hand हमने कल की क्लास में पढ़ा था. आज जो हम phrasal verb पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, आज की क्लास का पहला phrasal verb क्या है students? The first phrasal verb is hold. आज के सेशन का पहला phrasal verb है hold. एक एक करके तीनों phrasal verbs को पढ़ते हैं. पहला जो phrasal verb है hold का, That is hold over. अब देखो hold over को याद कैसे रहोगे भाई? Hold करके रखो, अभी finish मत करो, इसे hold करो. अभी हम ये सामान नहीं खरीद रहे हैं, अभी ये सामान hold पर है. किसी चीज़ को hold over करना मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को अपने पास रखना, किसी चीज़ को save करके रखना, या किसी चीज़ को delay करते हुए जाना, एक decision नहीं लेना. आपने hold over किया हुआ है. We have to Hold over these files until tomorrow. हमें इन files को delay करके रखना पड़ेगा कल तक. Hold over का meaning क्या हो गया? What is the meaning of hold over? Hold over का meaning होता है किसी चीज़ को delay करना, किसी चीज़ में देरी करना, किसी चीज़ को लेके time waste करना. That is what? That is hold over. नाम से भी समझ में आ रहा है. Hold करके रख लिया आपने अपने पास. Hold करके रख लिया अपने पास मतलब आप उस चीज को डिले कर रहे हो, उस काम को होने नहीं दे रहे हो. दैट मीन्स होल्ड ओवर. सभी बच्चे एक सेंटेंस मुझे बना के दिखाएंगे जल्दी से होल्ड ओवर फ्रेजल वर्ब का. यस, यू हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस ऑफ द फ्रेजल वर्ब होल्ड ओवर. चलिए अगले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं. लेट अस कम टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. और अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा होल्ड अप. होल्ड अप का मीनिंग क्या होता है? अप का मीनिंग क्या होता है? उठाना. होल्ड का मीनिंग क्या होता है? होल्ड करके उठाना मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना. अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? आपने उसे होल्ड अप किया हुआ है. होल्ड अप द टेबल वाइल आई स्लाइड द अंडरनेथ. मैं इसको नीचे से स्लाइड करूँ जब तक तुम टेबल को होल्ड करके रहो. होल्ड अप का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्ड अप? होल्ड अप का मीनिंग हो गया किसी चीज़ को सपोर्ट करना. अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? आपने उसे होल्ड अप करके रखा हुआ है. अगले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं. दैट इज होल्ड ऑन. होल्ड ऑन मीन्स किसी चीज के साथ लॉयल रहना. अगर आप इफ यू होल्ड ऑन योर रिलेशनशिप, अगर आपने अपना रिलेशनशिप को होल्ड ऑन किया हुआ है मतलब आप अगर अपने रिलेशनशिप के साथ लॉयल हो तो आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है. होल्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है? आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो. यू आर नॉट बिट्रेइंग एनीवन. यू आर वेरी लॉयल टू द रिलेशनशिप दैट यू आर हैविंग विद दैट पर्सन. दैट मीन्स होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मीनिंग क्या हो गया? रिमेन लॉयल. आई होप तीनों फ्रेजल वर्ब सभी को अच्छे से याद हो गई हैं. चलिए ये रही पहली फ्रेजल वर्ब. टेल मी द मीनिंग्स. एवरीवन विल टेल मी द मीनिंग ऑफ होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मीनिंग क्या हो गया? कैन आई से होल्ड ऑन का मीनिंग हो गया टू रिमेन लॉयल. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखिए और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. इस पिक्चर की थीम्स के ऊपर कोई सेंटेंस बनाइए. और फ्रेजल वर्ब आपको क्या यूज करना है? द फ्रेजल वर्ब दैट यू हैव टू यूज इज होल्ड ऑन. हर बॉयफ्रेंड डिड नॉट होल्ड ऑन विद देयर विद द रिलेशनशिप एंड हर मदर इज ट्राइंग टू कंसोलिंग हर. इसका जो बॉयफ्रेंड था वो लॉयल नहीं था और इसलिए शी फेल्ट डिप्रेस. वो डिप्रेस हो गई और इनकी जो मदर है वो इनको कंसोल करने की कोशिश कर रही है. होल्ड ऑन का मीनिंग क्या हो गया? What do you mean by hold on? Hold on का मीनिंग हो गया loyal रहना. अगले phrasal verb पे आते हैं. Let us move to the next phrasal verb. और जो अगला phrasal verb है वो hold over. Hold over का मतलब क्या है? एक particular date थी
बट आप क्या कर रहे हो, आपने उसको होल्ड ओवर करके रखा हुआ है. आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, कैन आई से आप उस चीज़ को डिले कर रहे हो, या फिर इसका मीनिंग एक और क्या होता है, आप उस चीज़ को सेव करके रखा हुआ है, आप उस चीज़ में देरी कर रहे हो, यू हैव होल्ड ओवर इट, यू हैव अ होल्ड ओवर इट मीन्स यू हैव जस्ट उसको आपने डिले कर दिया है. यू आर होल्डिंग ओवर द फाइल्स टिल टुमारो, कल तक आपने फाइल्स को डिले कर दिया है. यू आर होल्डिंग ओवर दैट एक्शन टिल टुमारो, आपने उस एक्शन को डिले कर दिया है. होल्ड ओवर का मीनिंग क्या हो गया, यू हैव डिलेड समथिंग, आप किसी चीज़ में देरी पैदा कर रहे हो, दैट इज़ वॉट, दैट इज होल्ड ओवर. अगला जो है होल्ड अप, लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी होल्ड अप. कैन आई से शी हैज होल्ड अप दिस रोप, किसी को सपोर्ट करना, इसने इस रोप को सपोर्ट किया हुआ है, नहीं हमने उल्टा बोल दिया, इस रोप ने इसको सपोर्ट किया हुआ है. होल्ड अप का मीनिंग, कैन यू होल्ड अप दिस टेबल, कैन यू सपोर्ट दिस टेबल, होल्ड अप का मीनिंग क्या हो गया. कैन आई से किसी चीज़ को सपोर्ट करना, जब हम किसी चीज़ को सपोर्ट करने की बात करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब, द फ्रेजल वर्ब इज होल्ड अप. चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर और देखते हैं कितने बच्चों की वो एक्सरसाइज एकदम सही होती है. लास्ट क्लास में हमने हैंड के फ्रेजल वर्ब्स पढ़े थे और इस क्लास में हमने होल्ड के फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं. ये रहे सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके पास, जल्दी से मैच द कॉलम करिए. लेट अस सी कितने बच्चे एकदम सही करते हैं मैच द कॉलम. चलिए देखते हैं. हैंड आउट, हैंड आउट हमने क्या पढ़ा था, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना. हैंड आउट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना. अगर आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ हैंड आउट. हैंड इन, हैंड इन का मीनिंग क्या, आपने वो सामान किसी को दे दिया, उसका चार्ज किसी को दे दिया, अथॉरिटी किसी को दे दी. द स्टूडेंट्स हैंडेड इन दिस असाइनमेंट्स, उन्होंने असाइनमेंट्स टीचर को दे दिए. हैंड ओवर, पुलिस ने क्रिमिनल्स को क्या बोला, हैंड ओवर दी योर गन्स, हम अपनी गन्स को सरेंडर कर दो, अपनी गन्स को हमें दे दो. हैंड ओवर क्या हो गया, सरेंडर करना. हैंड इन और हैंड ओवर लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हैंड इन में और हैंड ओवर में. अगला होल्ड, सबसे पहले पोस्टपोन का क्या था, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को डिले कर देना, दैट वॉज होल्ड ओवर. किसी चीज़ को अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो या डिले कर रहे हो, दोनों ही होल्ड ओवर के हैं. आपने किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया या फिर आपने किसी चीज़ को डिले कर दिया, दोनों ही होल्ड ओवर के हैं. होल्ड अप का मीनिंग क्या था, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, यू आर सपोर्टिंग समथिंग. आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, यही मैच हुए हैं. होल्ड अप का मीनिंग क्या था, आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, यू आर सपोर्टिंग समथिंग. और होल्ड ऑन का मीनिंग क्या था, आप किसी रिलेशन में क्या हो, लॉयल हो, यू आर लॉयल इन अ सर्टेन रिलेशनशिप. आप किसी रिलेशनशिप पर लॉयल हो, दैट इज वॉट, वो क्या है, दैट इज होल्ड ऑन. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दोनों सेट फ्रेजल वर्ब्स के आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें ना कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके आगे मैं आप लोगों को स्टार मार्क करवाती हूँ, उन्हीं में से एक फ्रेजल वर्ब है जंप एंड कीप. दे आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, तो सभी बच्चे इनके आगे स्टार मार्क कर लेंगे. सबसे पहले तो जंप एंड कीप दोनों बहुत ही ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं. पहला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, जंप टू, ही जंप्ड टू द कंक्लूजन दैट राम मैरिड सीता. वो इस कंक्लूजन पे अचानक से आ गया. जंप टू का मीनिंग क्या होता है, अचानक से किसी बात पे आ जाना. आपने ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा समझा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, आपने अचानक से कोई बात बोल दी, उसको आप क्या यूज़ करते हो, जंप टू. नाम से भी समझ में आ रहा है, कूद के अचानक से आ जाना. जंप टू, कूद के अचानक से आ जाना. जंप टू का मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज़ की, किसी कंक्लूजन पे, किसी चीज़ पे अचानक से आ जाना. अगला फ्रेजल वर्ब जो है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज जंप एट.
Jump at का मीनिंग क्या, बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना. आई आस्क्ड हिम टू जॉइन माई इंस्टीट्यूट एंड ही जम्प्ड एट इट. उसने बड़ी खुशी खुशी ये बात एक्सेप्ट कर ली. मैंने उसको एक ऑफर दिया कि चलो बाहर चलते हैं घूमने, एंड ही जम्प्ड एट इट. वो बात उसने बड़े खुशी खुशी बड़े अच्छे मूड से एक्सेप्ट कर ली. जम्प एट का मीनिंग क्या होता है, किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना बहुत खुशी खुशी. टू एक्सेप्ट समथिंग वेरी हैप्पीली, दैट इज़ वॉट, क्या होता है, दैट इज़ जम्प एट. अगले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कीप फ्रॉम. फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, दूर. कीप फ्रॉम का मीनिंग क्या हो गया, दूर रहना, किसी से दूर रहना. दे केप्ट देयर रिलेशनशिप फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को दूर रहा उनसे. आई जनरली कीप फ्रॉम दोज पीपल हु फेक एट मैनी टाइम्स. मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ जो बहुत समय पर बहुत 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 बार फेक करते हैं. कीप फ्रॉम का मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स कीप फ्रॉम का मीनिंग हो गया आप किसी से दूर रह रहे हो. वही वही मीनिंग होता है कीप ऑफ का भी. कीप ऑफ का भी मीनिंग और कीप फ्रॉम का भी मीनिंग लगभग सेम होता है. आप किसी चीज़ से दूर रह रहे हो, आप किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो, यू आर कीपिंग एट अ डिस्टेंस, आप डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो, दैट इज़ कीप ऑफ. क्योंकि ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव कोनोटेशन का ये वर्ड है. जब भी ऑफ आ जाएगा कुछ ना कुछ दूरियों की बात होगी. तो कीप ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, आप किसी से दूर ही बना के रख रहे हो, आप किसी से डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो. अगला है कीप ऑन. ही केप्ट ऑन डूइंग इट, उसने वो काम कंटिन्यू रखा. आई आस्क्ड हिम नॉट टू डू इट बट ही केप्ट ऑन डूइंग इट. मैंने उसको बोला कि ये काम मत करो, बट वो लगातार उस काम को करता रहा. कीप ऑन का मीनिंग क्या हो गया, कीप ऑन डूइंग इट. कीप ऑन का मीनिंग क्या हो गया, किसी काम को कंटिन्यू रखना. कोई काम आप कॉन्टिन्यूसली करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, दैट मीन्स कीप ऑन. She kept on crying in spite of my assurance of help. मैंने बोला कि भाई मैं उसकी मदद करूँगी, फिर भी वो रोती रही रोती रही रोती रही. रोना उसने continue ही रखा. That is what? कौन सा phrasal verb हो गया? The phrasal verb is keep on. अगले पे आते हैं. Next is keep up. Keep up the good work. Keep up the good work मतलब मेंटेन रखो इस गुड वर्क को. कैन आई से कीप अप का मीनिंग भी एक तरीके से कंटिन्यू रखो इस गुड वर्क को, मेंटेन रखो, जिस लेवल पे हो उस लेवल को मेंटेन रखो, उससे नीचे मत गिरो. दैट इज़ व्हाट कीप अप. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप, इसको मेंटेन रखो. एंड द लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ कीप इज कीप अप विद. कीप अप विद का मीनिंग क्या होता है, नीचे ना गिर जाना. कंपनीज शुड कीप अप विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. कंपनीज को पेस बना के चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा उन सारे एडवांसमेंट्स के साथ जो अभी हो रहे हैं. नीचे नहीं गिरना है, आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे चलना पड़ेगा. दैट इज़ व्हाट कीप अप विद, नॉट टू फाइंड बिहाइंड, ट्राई टू मूव विद. जिस लेवल पे वो लोग चल रही हैं उसी लेवल पे कंपनीज को भी चलना पड़ेगा. यंग मैन शुड कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल फील्ड. यंग मैन को लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स किए हैं. इन फ्रेजल वर्ब्स को हम कल के सेशन में कंटिन्यू रखेंगे. वी आर एंडिंग आवर सेशन नाउ. आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं. वी विल नाउ मीट टुमारो. अब हम कल मिलने वाले हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लस का, टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड NBLIFE. इस कोड को यूज़ करके एक प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो. और प्लस सब्सक्रिप्शन एक बार लेके देखो, बहुत फ़ायदे हैं. आपको किसी एग्जाम की टेंशन ही नहीं होगी. चलिए, सो वी आर एंडिंग अ सेशन नाउ. तीन सेंटेंस सभी बच्चे मिलके बोलेंगे. 1, 2, 3 एंड गो. इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज. आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माई ड्रीम जॉब. Thank you everyone. Bye-bye. Take care. Stay blessed and Tata.